ये देखिए वेज चाउमिंग जो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल है, बाजार जैसे वेज चाउमिंग बनाने की सारी सीक्रेट आपको इस वीडियो में पता चलेगी। और ये चाउमिंग देखिए कितने खिले खिले बने हैं, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं चिपके हैं, तो बनाते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इनी फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चाइनीज़ वेज चाउमिंग बनाएंगे। हर किसी के शहर में एक ऐसी फेमस दुकान होती है जहाँ के चाउमिंग खाना हमें बहुत पसंद होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप वो दुकान भूल जाएंगे, क्योंकि घर पर ही बाजार से भी अच्छी चाउमिंग बनाने के सारी सीक्रेट हम जानेंगे। तो चलते हैं किचन में। चाउमिन बनाने के लिए हमने एक पतीला लिया है और उसमें हमने 1 लीटर पानी भर के रखा है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। नमक हमने इसलिए डाला है ताकि हमारे नूडल्स अच्छे नमकीन बने, और तेल इसलिए डाला है ताकि नूडल्स एक दूसरे से चिपके नहीं। पानी में एक बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ गया है, अब हम अपने नूडल को इसमें ऐड करेंगे और इसे बीच में तोड़ना नहीं है। आपको पानी के बाहर इतने नूडल्स दिख रहे होंगे, मगर जैसे ही नीचे वाले नूडल्स गर्म पानी में सॉफ्ट हो जाएंगे, ऊपर वाले नूडल्स भी पतीले में आराम से चले जाएंगे। और इसे हमें 80% तक ही पकाना है। 4 से 5 मिनट में ही आपके नूडल्स पक के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए 5 मिनट बाद हमारे नूडल्स कुक हो चुके हैं। ये साइज में बिल्कुल डबल हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रो नूडल है और ये कुक नूडल है। कुक नूडल पक कर साइज में डबल हो चुका है और इसे हम तोड़ कर भी चेक कर सकते हैं। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और अपने नूडल्स को नल के नीचे ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करेंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये ओवर कुक ना हो। अब हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए हमारे नूडल्स कितने खिले खिले बने हैं। वैसे तो ये तेल डालने की वजह से एक दूसरे से नहीं चिपके हैं, मगर फिर भी हम इसे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालकर मिक्स करके प्लेट में फैला लेंगे ताकि ये खिले खिले रहे। हमने थोड़े से कैबेज को स्लाइसिस में कट करके लिया है और साथ ही में हमने स्लाइसिस में कटे हुए रेड कैप्सिकम और हरी वाली शिमला मिर्च ली है। स्लाइसिस में कटे हुए प्याज और हरी मिर्च ली है। अभी हमारे पास गाजर अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें। अब हम चलते हैं कुकिंग के प्रोसेस में। हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, आप इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे, क्योंकि चाइनीज कुकिंग हाई फ्लेम पर ही होती है। कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डालेंगे, इसे कुछ सेकंड के लिए सॉटे कर लेंगे। अब जाएगी पत्ता गोभी। सब्जियों को हम उसके पकने के टाइमिंग के अनुसार ऐड करेंगे। अगर आप गाजर यूज कर रहे हैं तो उसे भी इसी स्टेज पर डाल दें। हमें इस रेसिपी में लंबे स्लाइसेस में कटे हुए सब्जियां ही यूज करनी है। इसके 2 कारण हैं। पहला, ये पतली कटी हुई सब्जियां बहुत जल्द कुक हो जाती है, और दूसरा, चाउमीन के साथ स्लाइसेस में कटी हुई सब्जियां फिट बैठती है दिखने में और खाने में भी। शिमला मिर्च भी पैन में ऐड करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर ही सॉटे कर लेंगे। इसे हाई फ्लेम पर बनाने का भी 2 कारण है। पहला ये कि लो फ्लेम पर ज़्यादा पकने से सब्जियां गल जाएगी और मॉइस्चर रिलीज करेगी, जबकि चाउमीन में सब्जियों का एक क्रंच आना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि हाई फ्लेम पर कुक करने से इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, जिससे चाउमीन का टेस्ट इन्हेंस होगा और ये बिल्कुल बाजार जैसी लगेगी। सब्जियां कुक हो चुकी है तो इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस और 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, मगर नमक हम कम ही डालेंगे, क्योंकि नूडल्स बॉयल करते वक्त ही हमने नमक ऐड किया था और हमने जो सॉसेज ऐड किए हैं उसमें भी नमक होता है। अगर सब्जियां बहुत ड्राई लगे तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच के करीब पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम उबले हुए नूडल्स पैन में ऐड करेंगे और उसे हम सब्जी और सॉसेज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक इसे कुक करेंगे। लास्ट में 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर जरूर ऐड करें, जो चाउमीन के टेस्ट को बढ़ा देगी। और इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि नूडल्स टूट ना जाए। तो हमारी चाउमीन बनकर रेडी है। गैस को हम ऑफ करेंगे। अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए हमने इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाला है। आप देख सकते हैं नूडल्स कितने खिले खिले, मार्केट से भी अच्छी बनी है। अगर आप चाहे तो इसे कटी हुई कैबेज, ग्रीन चिली सॉस और रेड टमाटो सॉस के साथ गार्निश कर सकते हैं। तो हमारा नूडल्स बनकर रेडी है। आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस इंडियन फूड रजनी के साथ शेयर करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद नहीं आई तो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि सुधार का मौका मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए इंडियन फूड रजनी यूट्यूब चैनल को और बेल बटन प्रेस करिए लेटेस्ट कुकिंग वीडियोस। थैंक यू।